आज इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज मैं देखी मुख्यमंत्री निर्देशक और कासारक्षी तरफों ड्रग पेडलार्सबाक आटक कर मैं देखी जो दिन बहुत सफलता लाभ कर आज दिन मैं देखी कासारक्षी तरफों ड्रग इंटरनेशनल ड्रग एगेन्स्ट ड्रग एब्यूज दिन कासारक्षी एक व्यापक एक अनुषान आयोजन कर अनुषान पेनल डिस्काशन ड्रग्स क्यों ड्रग्स मुक्त करा जाए कासार आलोचना आलोचना और मैं कब पार कासारक्षी तरफों जो दिन मैं देखी एक विराट बड़ सफलता लाभ कर ड्रग एब्यूज ड्रग पेडलार्सबाक धरे प्राय 48 ड्रग्सबाक आटक कर मैं तो लग पम कासारक्षी अधीक्षक जानव विचार जानव विचार सर सर आज दिन आज कचार पुलिस और ड्रीम सेलिब्रेशन के संयुक्त एसोसिएशन में हमने आज का जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग के मौके पे एक वेबिनार का आयोजन किया था। इस वेबिनार में अन्य अन्य डिग्नेटरीज भी इसमें शामिल थे, हमारे मीडिया कर्म के सभी बंधु और सभी नेटिजन्स ऑफ कचार डिस्ट्रिक्ट दे वेर पार्टिसिपेटिंग इन इट। हम लोगों का एक जो उद्देश्य है इसमें, जैसे पुलिस का काम है प्रिवेंट करना भी और उसको क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना भी, इसमें प्रिवेंशन में अवेयरनेस जनरेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जिसमें जो आज ये ड्रग्स अब्यूज़ की समस्या है, नारकोटिक ड्रग्स की समस्या पूरे समाज को स्पेशली यूथ को एक बड़ा उसके सामने एक चैलेंज खड़ा हुआ है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यूथ के अंदर और समाज में एक अवेयरनेस क्रिएशन और जागृति लाने के इस मकसद से ये आज वेबिनार का अरेंजमेंट हम लोग किए थे। इसमें ड्रीम सेलिब्रेशन और कचार पुलिस और सभी मीडिया और सभी जो पार्टिसिपेंट्स थे, डिग्नेटरीज थे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम लोगों का ये जो कचार पुलिस का जो कैंपेन है वॉर ऑन ड्रग्स, ये चलता रहेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय DGP महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग काफ़ी इस अभियान को तीव्रतर बनाए रखे हुए हैं। इसमें लोगों का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, लोग इनपुट्स भी हमें दे रहे हैं और कचार पुलिस ने अब तक 10 मई से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा मात्रा में नारकोटिक ड्रग्स बरामद भी किए हैं। हमने बहुत सारे लोगों को 48 लोगों को हमने अरेस्ट किया है 22 केसेस में। करीब करीब 1,00,000 नशीली टैबलेट्स तथा 1.7 kg से ऊपर हीरोइन और 55 kg के ऊपर गांजा, 10 ग्राम्स ब्राउन शुगर और काफ़ी सारा कैश हमने बरामद किया है। और ये हमारा कचार पुलिस का अभियान चलता रहेगा। आज उसी को हम लोग उजागर करने के लिए और समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। कचार ड्रग्स फ्री करने के लिए हम लोग काफ़ी कदम उठाए हैं, ये जस्ट शुरुआत है, आगे हमें सफ़र काफ़ी और तय करना है। হয় মই শুনিছোঁ কাছা আৰক্ষী তৰফৰ পৰা তেওঁ কৈ আছে যে তেওঁ বিৰাট আকাৰৰ সফলতা লাভ কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনক কাছাৰ ড্ৰাগছ ফ্ৰী কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিব। আপুনি চাই থাকক ইউনিউজেনী। মই শিশুৰ পৰা স্নেহ শুভেচ্ছা ইউনিউজেনী, আই অফ নৰ্থ ইষ্ট।